ये महिंद्रा की ब्लाजो 31 है और ये टिपर है, 12 टायर में ये टिपर गाड़ी है। इसमें ड्राइवर गियर टाइट लगता है, गियर नहीं लगता, ऐसा कंप्लेन लेके आया है। उससे बात करके देखते हैं क्या काम है, फिर उसके बाद चेक करेंगे। ये ब्लाजो टिपर गाड़ी है, इसका टिपिंग सिस्टम भी स्टार्ट गाड़ी में गियर नहीं गिरता है। हे बाबू, क्या तकलीफ है गाड़ी में? क्लिच नहीं दबता, गियर नहीं लग रहे। हाँ, इसके ये कब से आया तकलीफ? ठीक, ये अभी आज से ही आया। इसका क्लच का ढक्कन हमने खोला है और ये क्लच का ढक्कन खोलने के बाद जो है, ये देखिए उसमें से धुआं निकल रहा है। और ये जो ढक्कन खोले हैं तो ये बैरिंग के टुकड़े, ये वो बैरिंग का जाली है और ये 1 2 3 4 ये बैरिंग के बोल हैं जो बैरिंग को घुमाते घूमता है इसी के सेंटर से। तो ये बैरिंग भी टूट के बाहर निकल गया। ये क्लच सिलेंडर है, ये पूरी तरह से बाहर निकला हुआ है, मतलब क्लच बेयरिंग का जो थिकनेस होता है वो घट गया है और ये सिलेंडर बाहर होके वहाँ पहुँच गया है। अब उससे ज़्यादा ये सिलेंडर को दबाने की कैपेसिटी इसकी नहीं है, मतलब क्लच बेयरिंग का लफड़ा दिख रहा है और वो उसकी डिस्टेंस लेंथ जो है रोड की फिक्स रहती है और वो बेयरिंग आगे चला गया, दबाने की कंडीशन तक चला गया, मतलब अब ये क्लच हार्ड भी हो जाएगा और क्लच हाफ नहीं होता। ये क्लच का ढक्कन नीचे से लाइट मार के देख रहे हैं, ये देखिए ये क्लच का बैरिंग वियर होके जल गया है पूरी तरह से। और जलने के बाद वो फिंगर जो होता है, डायफ्राम का प्रेशर प्लेट है, उसके फिंगर को अब कटिंग करना चालू कर दिया है और ये पूरा पुश कंडीशन में है, मतलब एकदम आगे की तरफ है, इसीलिए क्लच हार्ड हो गया था और दब नहीं रहा था क्योंकि सिलेंडर का लिमिटेशन ख़त्म हो जाता। तो इसका गियर उतार के, गियर बॉक्स पूरा उतार के और क्लच बेयरिंग बदली होगा और फिर प्रेशर प्लेट का जो डायफ्राम का ब्लेड टूट गया है ना, वो भी बदली होना करना पड़ेगा, मतलब शायद प्रेशर प्लेट डालना पड़े, क्लच बेयरिंग तो डालना ही पड़ेगा। ये जल गए, पूरी तरह से जल चुकी है। ये इसका क्लच का हमने काम चालू किया है और क्लच इसका गियर बॉक्स खोलेंगे और गियर बॉक्स के रिलीज जो चिलम आती है, रिलीज बेयरिंग का जो चिलम आता है, वो वहाँ से क्लच बेयरिंग का हिस्सा आगे वाला जल गया तो गियर उतारना पड़ता है उसके लिए। तो गियर उतारेंगे और फिर प्रेशर प्लेट भी चेक कर लेंगे, अगर फिंगर वहाँ से कट गया है और काम चलने लायक होगा तो उसको चला लेंगे, अगर कट गया है तो फिर प्रेशर प्लेट बदली करेंगे। ये गियर बॉक्स हमने उतार दिया है, गियर बॉक्स उतारने के बाद क्लच बेयरिंग जो है वो तो चली गई है, क्लच बेयरिंग का आगे का सिरा जो है प्रेशर प्लेट के फिंगर को काटते हुए क्लच प्लेट में जाके घुस गया है, ये देखिए दिख रहा है, और वो फिंगर भी बेंड हो चुका है, ये खोखा है, ये निकला है, ये क्लच बेयरिंग का हिस्सा है वहीं से रह। और इसमें प्रेशर प्लेट बदली करना पड़ेगा, क्लच बेयरिंग जो है वो भी बदली करना पड़ेगा और क्लच प्लेट चेंज कर देंगे और फ्लाईव्हील पॉलिश कर देंगे। ये क्लच बेयरिंग का दिखाता हूँ अभी, ये देखिए इसका, ये देखिए क्लच बेयरिंग पूरी टूट गई है और ये सीज हो चुकी है, चिलम के अंदर जाम हो गई है, निकल भी नहीं रही है। इसको हम हैमरिंग करके जैसे तैसे निकालेंगे और उसके बाद इसको बदली करेंगे। ये प्रेशर प्लेट है, ये प्रेशर प्लेट का फिंगर ये देखिए ऊपर नीचे हो गया है, ये देखिए ये नीचे है, ये ज़्यादा नीचे है और ये फिंगर यहाँ तक आता है, यहाँ तक ये भाग ये मुड़ गया, देखिए ये। अब ये जब ऑपरेटर इसका क्लच दबाता था तो क्लच दबने के बाद नीचे वाले सिलेंडर का पिस्टन बाहर निकल के क्लच बेयरिंग को ऐसे पुश करता है, वो क्लच बेयरिंग इसके अंदर चली जाती थी क्योंकि वो क्लच बेयरिंग भी घिस के और पतली हो गई थी, इसके अंदर घुस जाती थी तो ये इसको दबाती नहीं थी, तो इसीलिए ये क्लच हार्ड बता रहा था। तो कभी भी क्लच खोले हैं तो क्लच बेयरिंग एकदम ड्राई चलती हो और उसका सुरसुर सुरसुर चलने का आवाज़ आता हो तो क्लच बेयरिंग डाल देना चाहिए, क्योंकि क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट ओके है भले, लेकिन वो अगली बार जब क्लच पड़ेगा उसके पहले क्लच बेयरिंग जवाब दे देगी और फिर ऐसा होता है। और आजकल की गाड़ियों में सस्पेंशन रहता है, दरवाजे का खिड़की बंद रहता है, फिर ऑपरेटर को चूचू चूचू की आवाज़ सुनाई नहीं देगी और ये आखिरी टाइम होने तक गाड़ी चलती रहेगी और ऐसा मेंटेनेंस आ जाएगा।
ये इसका क्लच का जो फेसिंग है, फेसिंग भी घिस चुका है और जल गया है। ये कम से कम 10 से 20 दिन से, ये 10 दिन से हल्का ज़्यादा लोड पड़ने पे, जैसे खदान में से निकलते हैं या ओवर ब्रिज चढ़ते हैं, ओवर ब्रिज चढ़ के एक नंबर गियर डाल के जब गाड़ी उठाते हैं लोडिंग में, तो हल्का महकता होगा। लेकिन ये चारों तरफ से पेक रहेगा तो वो बदबू ऑपरेटर को नहीं आएगी, और फिर ये क्लच मतलब कहीं गाड़ी फंसेगी और ये पूरी तरह से वहीं खड़ी हो जाएगी। तो इसका फेसिंग पूरी तरह से जल गया, इसका फेसिंग बदली करेंगे, नया क्लच प्लेट डालेंगे और प्रेशर प्लेट भी नया डालेंगे और क्लच बेयरिंग भी नया डालेंगे। ये बैरिंग का ऊपर का कवर है, अभी नीचे का हब निकल, बाहर निकल हब, वो अभी हब जाम है, हब कटिंग करना है। ये नया प्रेशर प्लेट आ गया है और ये क्लच प्लेट है नया वाला। अब इसके साथ साथ दोनों को साथ में फिटिंग करना है और फ्लाईव्हील जो है, ये देखिए फ्लाईव्हील जो है हमने पॉलिश मार के फिटिंग करवा लिया। अभी अच्छी तरह से लंकी का बोल्ट टाइट कर देंगे, अब इस पर क्लच प्लेट और उसके बाद प्रेशर प्लेट लगा के फिटिंग कर देना। ये नया क्लच बेयरिंग डाल के, क्लच बेयरिंग को नया डाल दिए हैं और यहाँ पे लॉक कर दिए हैं, और ये शाफ्टिंग को भी थोड़ा लुब्रिकेटिंग कर लेना है, क्योंकि ये 6 महीने तक अगर ये अंदर हो जाता है तो इसमें ग्रीस नहीं मार सकते हैं, तो लुब्रिकेटिंग हो जाएगा तो वो भी फ्री रहेगा, इस पर लोड कम आएगा। ये प्रेशर प्लेट नया फिटिंग हो चुका है, और फिटिंग करने के बाद ये इसका अलाइनर से इसका लाइन मिला लिए हैं क्लच प्लेट का, और ये अपना क्लच प्लेट और फ्लाईव्हील बेयरिंग का जिसमें टॉप शाफ्ट घुसेगा, और लाइन मिला लिए हैं। अब गियर घुसा फिटिंग करने जा रहे हैं, गियर चढ़ाने के बाद क्लच सिलेंडर जॉइंट वगैरह फिटिंग करेंगे। ये इस गाड़ी का क्लच सिलेंडर है, एक से दो बार जब क्लच प्लेट डालें तो ये सिलेंडर को, ये हाउसिंग है इसमें पिस्टन आता है, एयर पे चलता है वो, और हवा में नमी होने की वजह से ये ड्राई हो जाता है। जब सूख जाएगा तो हम क्लच दबाएंगे तो क्लच ऐसा, ये सिलेंडर नीचे वाला क्लच दबाएगा, दबाने के बाद जब क्लच छोड़ देंगे और ये ड्राई अगर है, सूखा हो गया, तो फिर क्लच धीरे 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 रिलीज होगा, और गाड़ी तब तक तो आगे निकालने के लिए एक्सीलेटर ड्राइवर दे ही देता है। अगर ये जाम रिटर्न स्लो आएगा तो क्लच टॉर्क से नहीं उठेगा, लेट में उठेगा, और धीरे 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 क्लच प्लेट स्लिप होने लगेगा, मतलब गाड़ी ताकत नहीं करेगी, कम ताकत करेगी, उसकी वजह से क्लच प्लेट जो 1 साल चलना है वो 6 महीने में ही चला जाएगा। तो जैसे क्लच बेयरिंग खराब होने के बाद क्लच खराब हो गया, ऐसे इसको खराब होने के बाद क्लच प्लेट पर असर पड़ता है, तो कभी भी इसको खोल के अच्छी तरह सर्विस करके लुब्रिकेटिंग करके ही फिटिंग करना चाहिए। और इसको फिटिंग करना है तो ये नीचे का भाग है, कभी भी क्लच सिलेंडर सर्विस करें तो ये भाग नीचे लगा रहता है, ऐसे गियर में फिटिंग रहता है इस तरह से, तो ये ऊपर का भाग ये ऐसा दिख रहा है, ये पिन वाला भाग हर सिलेंडर का ऊपर की तरफ रहेगा, और ये रिलीज पिस्टन जो होता है, एयर जहाँ से रिलीज होती है, वो भाग नीचे रहेगा। अगर इसकी हम खाली दिशा गलती से बदली कर दें, ये क्लच सिलेंडर मतलब क्लच दबाएंगे और ये काम नहीं करेगा, ये इसका स्विच उल्टा हो जाएगा, कट ऑफ ऑन भी नहीं होगा और ऑन भी नहीं होगा, मतलब क्लच दबाएगा ही नहीं, और समस्या बड़ी हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा क्या तकलीफ है। तो कभी भी ये भाग जो है नीचे रख के फिटिंग करें तो ये सही से काम करेगा। ये क्लच सिलेंडर का हाउसिंग, ये देखिए ये दाग पड़ा हुआ है थोड़ा सा, और ये ड्राई हो गया था, इसको अब हमने सर्विस कर लिया, ये पिस्टन निकाल के और इसको सही से ग्रीस लगा के इसको फिटिंग कर देना है। ये सर्विस रहेगा तो क्लच दबाएगा भी आसानी से और छूट भी जाएगा फट, जैसे पैडल छोड़ेंगे वैसे उतना ही, जैसे
जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा, जितना पेडल छोड़े उतना क्लच रिलीज होगा, जितना छोड़ेंगे उतना रिलीज होगा, मतलब एकदम सही सही काम करेगा गाड़ी, आगे पीछे बराबर चलेगा। ये गाड़ी का क्लच का काम हो चुका है, अब इसका ट्रायल लेना है। कभी भी क्लच का काम करें तो एक बार डंपर उठा के गिरा के चेक कर लें, ताकि पीटीओ पंप सही से काम कर रहा है कि नहीं, और गाड़ी आगे पीछे करके सब गियर डाल के देख लें। एक गियर कोई भी गिरता है तो सब गियर लगेगा, क्योंकि क्लच का काम ओके हो जाएगा तो गियर सब बराबर ही रहता है। डाउन करो डाउन करो डाउन करो, चलो गियर डाल के आगे लो। बस बस पीछे लो पीछे, बस ठीक है, गियर लग रहा है ना, चलो जाने दो।